नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष सिंह और आज हैं अपने गांव पे और आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन आदमी से मिलाने वाले हैं जिनका नाम है नीरज मिश्रा और इनकी पहचान ये समझ लीजिए कि शेफ के रूप में है। इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में काम किया है तो आज इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जानेंगे कि इनकी स्पेशलिटी क्या है और कौन कौन से रेस्टोरेंट में इन्होंने काम किया है। तो भैया आप पहले तो अपना नाम बताएं, परिचय बताएं, उसके बाद फिर आप जो है अपने काम के बारे में बताएं लोगों को। जी सर, मेरा नाम है नीरज मिश्रा, मैं ग्राम पोस्ट रायपुर थाना मरियाबाद जिला गाजीपुर का निवासी। अब आप ये बताएं कि आपने कब शुरू किया था ये सेफ का काम और आपके गुरु कौन थे और कहां कहां आपने काम किया? जी सर, हमारे गुरु तो हमारा दफ्तर कहा सेफ, तो मैं चेंजिंग के द्वारा मैं सब कुछ सीखा। अच्छा, और कौन कौन से रेस्टोरेंट में आपने काम किया बनारस में? बनारस में मैं पहला मेरे ज्वाइनिंग है सुरभि इंटरनेशनल। अच्छा, तो वहाँ पे आप कितने टाइम रहे? छः महीना रहे। अच्छा, उसके बाद फिर? मैं कचहरी के सामने संदेश स्वीट्स हाउस रेस्टोरेंट में काम किया। अच्छा, क्या क्या बनाते थे आप वहाँ पे? संदेश में मैं साउथ इंडियन। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज बताइए जिसमें आपको बिल्कुल महारत हासिल है, मतलब कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता उस डिश में। मेरा हाथ तो सर किसी भी डिश में कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे लिए हर डिश मतलब क्लासिक तरह से आप बनाते हैं। हाँ, तो सारी डिश जो आप हाथ लगाते हैं सभी लोग पसंद करते हैं। जी यस सर। अच्छा, कहीं कहीं आज तक तो कंप्लेंट नहीं आया, कहीं आया भी तो मैं इसमें तीन चीज का फाउंडेशन है, साल्ट, चिल्ली, शुगर। अच्छा, ये तीन चीज का प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है? ये तीन चीज का हमेशा हमेशा ध्यान देना पड़ता है, या कम हो जाए तो ठीक है, एक्सेस होने पे इसका विकल्प अच्छा नहीं है। अच्छा, या है भी तो जैसे साल ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा टाइम आपने किस रेस्टोरेंट में काम किया है? हम सबसे ज्यादा टाइम मैं शांति गेस्ट हाउस बनारस मनकनिया घाट। हाँ। अच्छा, गरवासी टोला में सबसे ज्यादा, या मैं सबसे ज्यादा काम किया है YMCA। अच्छा, संपूर्णानंद कॉलोनी में जो यंगमैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है। अच्छा, जो वार्ड में है पूरे, उससे मेरा केस भी चलता है। क्यों, क्या हो गया था ऐसा? वो हमारा पैसा डेबिट करता था और पैसा डेबिट करने के दरमियान ही वो बोलता था कि पैसा एक इमरजेंसी पीरियड में मिल जाएगा। मेरे पिताजी का हालत ख़राब हो गया, उसमें पैसा मांगा तो खैर वो उस समय नहीं दिया। देखी देखा कि नौबत में सिगरेट सो हमारा FIR नहीं लिए, तो मैं बिग डाक कमिश्नर साहब को अपना FIR दर्ज कराया था। अच्छा, जो केस चल रही थी वो केस फाइल करवा दिया, फिर केस अभी फिर करीब करीब 6 महीना पहले ओपन हो गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और मैं उसके विश्वास पे विश्वास किया और वो फिर विश्वासघात कर रहा है मेरे साथ। अच्छा, तो अभी केस चल रहा है आप लोगों का? केस मेरा कंप्रोमाइज है, ये उसके कथनानुसार मैं कंप्रोमाइज कर दिया, एफिडेविट बनवा दिया, 50 सादे फार्म पर मैं साइन कर दिया, 45 पे नीचे साइन है और 5 पे सादे पेपर पे ऊपर, बीच में नीचे साइन है। अच्छा, और मेरा आधार उसके कंप्यूटर में सेव है, वो इस तरह से अपनी चालाकी दिखा रहा है। और 3 को मुझे पेमेंट देने के लिए कुछ बोला था और मैं जब भी वह फ़ोन लगा रहा हूँ तो कह रहा है कि वो नहीं है, उसके कर्मचारी उठा रहे हैं, बोलता है कि अब छक को आएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पैसा जल्दी से मिल जाए और केस आपका जल्दी क्लोज हो। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने यहाँ पे दुकान भी खोला था। यस। कितना टाइम आपने दुकान चलाया और कैसा रिस्पांस रहा, कितना आप कमा लेते थे यहाँ पे? रिस्पांस तो अच्छा ही था, लेकिन मेरे पास उस समय पारिवारिक उलझन था, कोई साथ नहीं देता था। मैं जो भी माल बना के फेंकता था ट्रे में या थाली में, वो माल लोग एक खाया और फिर बोला कितना है पैक कर दो। छोटे भगोने में छोला बनाता था, एक दो प्लेट लोग छोला खाते थे, बोले जितना है पैक कर दो। अच्छा, चिकन चिल्ली बनाता था,
लोग अपना मुर्गा ला के देता था, बना के दे हम देता। तो कितना टाइम आपने ये किया, आपने दुकान अपने कितने टाइम तक? 6 महीना। 6 महीना तो कितनी कमाई हो जाती थी आपकी महीने में, या डेली क्या कितना सेल होता? डेली करीब करीब एक दिन की बात है कि मैं ये देहाती चावल बनाया था और उसका फ्राइड राइस बना दिया। उस समय अशोक सिंह जिंदा थे और वो भी पहुंच गए थे। लोग 5-5 रुपए का प्लेट लेकर के लोग 10 मिनट नहीं लगा सब लोग खा गए। अच्छा, तो उस दिन कितने का सेल हुआ था आपका? करीब करीब 500। हम वैसे धंधा तो चालू किया था 100 रुपए में। अच्छा। और चीनी, काली चाय पत्ती, दूध किसी से मांग के ले गया था, फिर उसी से पूंजी में बढ़ाता गया। चना खरीदा, घुघरी बनाया वगैरह वगैरह करता रहा। यानी मैं लमसम कुछ नहीं 1200-1500 डिशों का आनर हूँ। तो दोस्तों ये है, कम से कम ये 1200-1500 डिश बता रहे हैं कि ये बना लेते हैं, और ये सच्चाई भी है। बनारस में काफ़ी टाइम रहे हैं और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होटल में काम किया इन्होंने काफ़ी टाइम तक। अपना भी बिजनेस किया, अपनी दुकान चलाई करीब 1-1.5 साल तक, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। और आज भी जो लोग मिलते हैं जो इनके डिश का लुत्फ उठा चुके हैं, वो आज भी जो है इनको हमेशा खोजते रहते हैं कि भैया आप दुकान खोल दीजिए, या जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो इनको खोजते हैं कि आप हमारी दुकान में आ जाइए ताकि हमारी सेल बढ़ जाए। अभी आगे क्या प्लान है नीरज भैया, क्योंकि आप कह रहे थे कि कुछ अपना कुछ रेस्टोरेंट वगैरह खोलने का प्लान चल रहा है। प्लान है कि यदि मेरा अपने वादे पे खड़े उतरते हैं तो हमारे पास छोटा गैस 5 लीटर वाला खरीद लिया हूँ, कुकर है, तवा है, चौकी बेलना यानी उनिया पोनिया छोटी मोटी है सब, आली थाली है। तो यही विचार है कि मैं खुद का स्वयं अपना रेस्टोरेंट चालू कर लूँ। अपना रेस्टोरेंट क्या, रोड पे ही? हाँ, मतलब रोड पे ही एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट जैसा आप खोल देंगे? हाँ, खोलना चाहते हैं। अच्छा, ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इसमें टोटल कितना खर्चा आता है? एक छोटा सा रेस्टोरेंट यदि आप सड़क के किनारे खोलना चाहते हैं तो इसमें टोटल कितना खर्च आएगा? लमसम यदि रोड के किनारे आप किसी दुकान में खोलना चाहते हैं तो लमसम 20 बारदाना छोटी गैस से ही खोलिए तो भी 10,000 रुपया तो लग ही जाएगा, कुर्सी कुर्सी अंड बंड में। तो मतलब 10,000 रुपये में आप अपना काम चालू कर सकते हैं सड़क के किनारे, है ना? 10 से 12,000 रुपये, 10 से 12,000 रुपये में आप काम चालू कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यदि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप खोलते हैं, जैसे कस्बे हमारे रायपुर, तो वहां पे भी आप 500-600 रुपये डेली का कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय, यदि आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं और आपका टेस्ट लोगों को पसंद आता है तो मुझे लगता है कि इससे कम तो क्वालिटी से तो हम कुछ कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, चाहे पैसा बचे या ना बचे। ऐसा नहीं है 50% मार्जिन इसमें कहीं नहीं गई है। जो इस बिजनेस में चोट खा गया वो कभी कोई बिजनेस नहीं कर सकता। हाँ, ये बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है कि इसके डिक्शनरी में लिखा है कि यू डोंट टच दिस बिजनेस, यू टच बट वेरी रिच मैन, यू टच बट यू मेक मैन, अदर डोंट टच दिस बिजनेस। ये कारीगरों का इस लाइन में कोई भरोसा नहीं होता है। अभी आप 100 रुपया दे रहे हैं, कोई 125 रुपया दे दिया तो छोड़ के चला गया, आपका बिजनेस फ्लॉप कर गया, आप बनाना नहीं जानते। तो यदि आप ये बिजनेस खोलते हैं तो एक कारीगर की आवश्यकता है, तो एक असिस्टेंट कुक तो अवश्य रखिए कि आपका, और विश्वास ही रखिए जो आपका रेस्टोरेंट बंद ना होने दे। बंद होने के बाद इस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं काशी चाट वाले को ले लीजिए, उसको मरे हुए करीब करीब 25 साल हो गया, 30 साल। अच्छा, उसका माल घुघरानी गली में बनता है, उसका दुकान है गदौलिया दूध सट्टी के सामने, और 2 बजे तक उसका माल घुघरानी गली से टाली से ढोके आता है और 9:30 बजे तक उसका सब माल खत्म हो जाता है। अच्छा, कहाँ पे है ये दुकान उसकी? ये दुकान है गोदौलिया नई सड़क से जाएंगे दूध छट्टी के ठीक सामने, लिखा है काशी चाट वाला। किसी से भी पूछेंगे बनारस में काशी चाट वाले को तो बता देगा। उसके यहाँ भी मैं कभी काम किया था, दीना चाट वाले, उसका ही सगा भाई है। अच्छा, हाँ, उसके यहाँ भी मैं करीब करीब
6-7-8 महीना काम किया है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि यदि आप खुद एक सेफ हैं और आप 10 से 12 हजार रुपए में अपनी दुकान खोलते हैं तो निश्चित रूप से आप 500-600 रुपए डेली कमा सकते हैं। और आपके पास एक ये विकल्प रहता है क्योंकि आप खुद बनाते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है कि हाँ कि बंदा चला जाएगा, आप किसी पर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। तो आप खुद करके अपना अच्छे से 10-12 हजार रुपए 500-600 रुपए डेली का कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे, काफ़ी फेमस शेफ हैं बनारस में, गाजीपुर में लोग इनको जानते थे, इनसे हमने बात करने की कोशिश की और आपको एक तरह से बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश की कि यदि आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो टोटल कितना खर्च आएगा और आप कितना सेव कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई आपका, आपने टाइम दिया। ओके बाबा, चलिए दोस्तों धन्यवाद।